हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू बी एच यू चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बी एच यू के एम एड बी एड इंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित और नेट पी जी टी एजुकेशन के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था। तो आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खिम ने दिया था। धर्म का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये इमाइल दुर्खिम ने दिया था। प्रश्न, इनेक्टिव आइकोनिक सिंबॉलिक यह वर्गीकरण व्यक्तित्व का किसने दिया था और यह सिद्धांत किसने दिया है, तो ये ब्रूनर ने दिया है। और यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण का निर्माण बीने ने किया था। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, तो इसको राइस ने किया था। श्रृंखला अधिगम के अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत का कौन सा चरण है। गैने ने जो दिया है अभिक्रमित अधिगम का सिद्धांत, उसमें एक हायरार्की के रूप में इन्होंने उस अधिगम को निश्चित किया है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते क्रम में होता है, जिसमें कि अब जिसमें कि श्रृंखला अधिगम उसमें तीसरे नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, संप्रत्यय निर्माण गैने के अभिक्रमित सिद्धांत का कौन सा चरण है। तो इसमें संप्रत्यय निर्माण छठवें नंबर पर आता है। अगला इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं गैने का चरण, अभिक्रमित अधिगम सिद्धांत के चरण। तो इसमें सबसे पहला जो होता है सिग्नल लर्निंग या संकेत अधिगम, दूसरा है स्टिमुलस रिस्पांस अधिगम यानी एसआर लर्निंग, ये इसे उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम बोलते हैं। तीसरा है श्रृंखला, जिसे चेनिंग बोलते हैं। चौथा है वर्बल एसोसिएशन शाब्दिक साहचर्य अधिगम। पांचवा विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन। छठा संप्रत्यय निर्माण। सातवां सिद्धांत अधिगम। आठवां समस्या समाधान। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 8 अभिक्रमित अधिगम के चरण हैं, जिसमें कि संप्रत्यय निर्माण छठवें पे आया, और इसके बाद जो चेनिंग है वो 3rd नंबर पर आया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। श्रृंखला अधिगम 3रे नंबर पर है और इसके बाद संप्रत्यय 6वें नंबर पर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रह्मांड बुद्धि तथा इच्छा के अभिव्यक्ति है, यह कौन सा दर्शन का विचार है। तो ये व्यवहारवाद का विचार है, जिसे प्रयोजनवाद भी, मतलब प्रयोजनवाद के नाम से भी यदि आता है, पूछता है कि प्रयोजनवाद यदि ऑप्शन में है, तो इसमें प्रयोजनवाद भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा उदाहरण है किस प्रकार के समाज की। तो ये एक बंद समाज का उदाहरण है। अगला है SUPW का फुल फॉर्म, तो ये सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क इसका फुल फॉर्म होगा। अगला है, SUPW का सुझाव किसने दिया था। तो ये दिया है ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने। अगला है, अवलोकात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये बंडूरा जी ने दिया है अवलोकात्मक अधिगम का सिद्धांत। अगला है, उत्पादन कर्म के द्वारा शिक्षा पर किसने बल दिया था, या भूल हो गया सॉरी बल बल दिया था किसने दिया था। तो गांधी जी ने प्रोडक्टिव वर्क पे बल दिया है। अगला क्वेश्चन है, एमिल किसकी रचना है। तो एमिल है रूसो की रचना। कांट कौन थे, तो कांट एक आदर्शवादी समीक्षावादी दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, किर्ककार्ट
पॉल सत्र हेडेगर्स किस दर्शन के से संबंधित है? तो ये आपके अस्तित्ववाद से संबंधित है। अगला है, त्रिरत्न से कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली बात कि ये त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न में क्या क्या आता है, तो आता है प्रज्ञा, शील और समाधि, ये इसके तीन रत्न हैं बौद्ध धर्म के। और यदि रत्न त्रयी पूछता है तब वहाँ पे जैन धर्म चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रत्न त्रयी है, ये इसकी संकल्पना जैन धर्म में पाई जाती है, जिसमें होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक समाधि। और जबकि यदि पूछता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित और क्या है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, प्रज्ञा, शील और समाधि। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यथार्थ अभी बन रहा है किस सिद्धांत, किस दर्शन का सिद्धांत है, तो ये प्रयोजनवाद का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का कार्य मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, यह कथन किसका है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का है। संस्कृति के प्रकार कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः दो प्रकार के हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। मानव निर्मातृ शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया है, तो मानव निर्मातृ शिक्षा का संप्रत्यय स्वामी विवेकानंद ने दिया है। गहने, इमारतें आदि किस प्रकार के संस्कृति के अंतर्गत आएंगे, तो ये भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था, तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ऑगबर्न ने दिया है। अगला प्रश्न, योग निर्धारण मापनी का आविष्कार किसने किया था, तो ये लिकर्ट ने किया है योग निर्धारण मापनी का आविष्कार। निगमन आगमन पद्धति का प्रवर्तन किसने किया है, तो उत्तर इसका अरस्तु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, विषय पर मस्तिष्क की प्रमुखता को जो दर्शन पोस्ट मतलब प्रमुखता से उस पर देता है बल, तो ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, पोस्ट विषय पर मस्तिष्क की प्रमुखता को जो दर्शन प्रमुख रूप से बल देता है, तो वो कौन सा है, व्यावहारिकता, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद। तो इसमें विषय में मस्तिष्क आइडिया या फिर माइंड की जो बात करता है वो आदर्शवाद करता है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पिछड़ापन से क्या तात्पर्य है, तो सांस्कृतिक पिछड़ापन का सबसे पहले किया किसने दिया है, तो ऑगबर्न एवं नीमकॉफ ने। और इसमें क्या होता है कि भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के बीच में खाई उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि अभौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति का मतलब क्या कि वो जो हमारी जो चीज़ दिखाई देती है, जो संस्कृति दिखाई देती है, जैसे रहन सहन, खान पान, इमारतें, भवन, कपड़े, गहने, ये सब भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आई। और हम लोग जानते हैं कि इस समय बहुत तेज़ी से इसका निर्माण हो रहा है, तो ये हाई लेवल से बढ़ रही है। और जबकि अभौतिक संस्कृति में यहाँ पे भौतिक भौतिक दो बार हो गया, तो अभौतिक यहाँ पे हो जाएगा, एक भौतिक अभौतिक और एक भौतिक। तो भौतिक संस्कृति में तेजी से वृद्धि हो, उसके साथ अभौतिक में धीमी गति से हो विकास, तो वहाँ पे सांस्कृतिक विलंबना आए। नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना किसने बताई, यहाँ पे शिक्षा होगा कि किसने संकल्पना बताई है, तो ये रूसो ने बताई है, निगेटिव एजुकेशन उन्होंने दिया। किस भारतीय लेखक को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। किस पे मिला है, गीतांजलि पर इनको मिला है। अगला है, तत्वमसी किससे संबंधित है, तत्वमसी वेदांत से संबंधित है। इसका अर्थ होता है कि तुम में भी मैं हूँ या तुम्हारे समान ही हूँ, ये अद्वैतवाद से संबंधित होता है। अगला है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। अगला है, कितनी बार नमाज अदा होती है, तो 5 बार नमाज अदा होती है। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक हैं, तो अद्वैतवाद वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। योगात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण बताइए, तो वर्ष के अंत में या सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होती है। अगला है, कैथिक्स या भावानिवेश का संप्रत्यय किसने दिया है, तो ये टॉलमैन ने दिया है।
अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल मैन कॉन्सेप्ट गिवन बाई, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व बोध की भावना से कही थी ये बात, इसलिए यूनिवर्सल मैन कॉन्सेप्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। प्रैक्टिकल वेदांता गिवन बाय, तो प्रैक्टिकल वेदांता का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो स्वामी विवेकानंद ने दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।